80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का ही प्रतिबिंब है। 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है। 45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन बैंक खाते खोलना सामाजिक न्याय का इंक्लूसिव एजेंडा का जीता जागता उदाहरण है। 11 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव शौचालय मिलना यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी भक्ति है। बिना भेदभाव, बिना तुष्टिकरण, बिना स्वार्थ, बिना वोट बैंक की राजनीति किए भाजपा आज सामाजिक न्याय का भी सच्चे अर्थ में धरती पर इरादों को साकार करने वाला देश के दबे कुचले समाज के लिए आशा की किरण बना हुआ एक पर्याय बन करके उभरा है। साथियों, आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है, ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर महिलाओं की समस्याओं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की परवाह ही नहीं करता है, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके सपनों को साकार करने को, निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदारी देने को प्राथमिकता देता है। इसलिए आज के युवा हो या फिर देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा के साथ, हम पल पल अनुभव कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहे हैं, जुड़ाव महसूस करती हैं, अपनापन महसूस करती हैं। इसलिए आज ये सभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।